मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज अपन चालू करने वाले इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स पार्ट है, आप ये समझ लो, या रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन मतलब कैलकुलस का ये लास्ट पार्ट है अपना, उसके बाद फिर अपन मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पहुंच जाएंगे। एक दो दिन और लगेंगे इसमें और ये फिनिश हो जाएगा। इंटीग्रेशन छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है इसमें, और फार्मूले भी हमारे लिए इसमें कम है। ओके, तो इंटीग्रेशन में, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, माइक म्यूट कर लो फटाक से। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, और अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले मैं डिस्कस कर रहा हूं। इंटीग्रेशन, ठीक है, रिवर्स या इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं यहां पे इंटीग्रेशन के। ठीक है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख रहा हूं, उनको आपको लर्न करना मतलब अल्टीमेटली। तो फर्स्ट फॉर्मूला देखो इस टाइप से, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, ये ऐसा ये सिंबल है इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन का dy by dx या dy by dt etc ऐसा होता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। x टू द पावर n dx मतलब फंक्शन क्या है यहाँ पे, जैसे अगर मैं ले लू यहाँ पे लेट y equals to f of x equals to x to the power n, ये फंक्शन है। देन इंटीग्रेट, इसको ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन के लिए मैंने i लिखा, इंटीग्रेशन y विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब इसको dx के रिस्पेक्ट में हम, या dx लिखेंगे यहाँ पे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और फिर फंक्शन लिखेंगे। तो फंक्शन आपका x टू द पावर n dx। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था, डिफरेंशिएशन में dy by dx लिखते थे आप, है ना, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन का टर्म लिख रहा हूं आप लोगों को ध्यान रखने के लिए, d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n अगर आता था तो n x टू द पावर n माइनस वन होता था आपका। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये जो फार्मूला है, दिस इज x टू द पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्रोवाइडेड दैट एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, एन की वैल्यू माइनस वन नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रेट करने पे एक पावर बढ़ती है, और डिफरेंशिएशन करने में क्या हो रहा था, एक्स की पावर एक कम हो रही थी और जो पावर थी वो सामने मल्टीप्लाई हो रही थी। यहाँ पे पावर कहाँ पे आ रही है, डिनोमिनेटर में आती है, ये इस तरह से। तो डिफरेंशिएशन के फार्मूले और इसके फार्मूले सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा अंतर है ना। तो आप लोगों को ये फार्मूले याद रखना यहाँ पे इंटीग्रेशन के। तो ये फार्मूला सभी n की सभी वैल्यू के लिए वैलिड है, लेकिन n की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए आपका, माइनस वन नहीं होना चाहिए। और अगर माइनस वन है तो जैसे इंटीग्रेशन अपन ले रहा है x टू द पावर माइनस वन dx या x टू द पावर वन अपॉन x dx लिखोगे तो इसका इंटीग्रेशन होता log x। और यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव देखोगे log x का, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन x होता है। तो इसको ध्यान रखना, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, वन बाई x होता है। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस वन dx या वन अपॉन x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है। अब इंटीग्रेशन के साथ में एक कांस्टेंट आप ऐड कर देते हो, जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अपन बोलते हैं। ठीक है, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस पेज का लिख लो आप लोग पहले, मैं थोड़ा देर रुक रहा हूं, इसको नोट करो, फिर मैं पूरा फार्मूले का चार्ट बना देता हूं, उस चार्ट को आपको फिर लिखना है। हो गया, मैं चार्ट बना रहा हूं, उसको लिखना आप लोग। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया ना, लेके लिख भी लिया ना आप लोगों ने, मतलब आपको इस तरह से मेथड फॉलो करनी है, ये इस तरह से मेथड फॉलो करनी है। अब मैं सीधे क्या करूंगा, जैसे ये फार्मूला लिखते हैं अपन,
वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, उनको नोट करना। मिटा दूं इसको, हेलो, मिटा दूं? यस सर, यस सर। जितने फार्मूले ये सॉरी ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, जितने फार्मूले हमको फिजिक्स में लगेंगे उतने मैं बता देता हूं। हाँ, यहाँ पे देखो भी, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c एंड n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, और इसी से एक और फॉर्मूला बनेगा, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी टू द पावर n dx। क्या बनना चाहिए जरा थोड़ा बताना मुझे, एक मिनट। हाँ, मैं ऐसा लिख रहा हूं कि पूरे एक साथ ही आ जाएंगे। इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। देखो ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पे। हाँ, इसको अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। एंड ये फार्मूला एन की सभी वैल्यू के लिए वैलिड है, सिर्फ माइनस वन को छोड़ के। तो ऐसे एक और फार्मूला आएगा आपका, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स। तो ये रहेगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इंटू ए, एक्स का कोफिशियंट से डिवाइड करना। तो ये फार्मूला भी एन की वैल्यू माइनस वन के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है, ये कॉमन बात हो गई। मतलब ये जो फार्मूला लिखे हमने, ये n की वैल्यू माइनस वन के लिए वैलिड नहीं है, ये भी और वो भी, है ना, इसी से लिखा मैंने। फिर दूसरा, अगर n की वैल्यू माइनस वन होती है तो ये बनता आपका log x, ठीक है, log x। तो इसका इंटीग्रेशन एक और इस तरह से देखोगे आप, ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस वन डी एक्स, तो ये आएगा log ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। फिर तीसरा फार्मूला, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, तो ये e टू द पावर x आएगा, और यहां पे इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी डी एक्स है, तो ये e टू द पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय a आएगा। फिर साइन और कॉस वाले, इंटीग्रेशन साइन x dx, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, और फिर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, दिस इज साइन एक्स, इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये होता है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, ठीक है। अब इनको कॉपी पे लिखो, आप लोग लिखोगे तो याद होंगे, है ना, ये फार्मूले हो गए, ठीक है, साथ में लिख दिया मैंने। एंड पेज नंबर थ्री, ठीक है, देखो पेज नंबर थ्री पे ये आएगा बेटा, इसको नोट पे आप लोग ध्यान रखना। फर्स्ट इंटीग्रेशन जैसे dx है तो क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन जैसे dy है तो y बचेगा, इंटीग्रेशन dz है तो z बचेगा, इंटीग्रेशन dt है तो सिर्फ t बचेगा, ठीक है। फिर दूसरा, इंटीग्रेशन जैसे 5dx है तो ये 5 बाहर आएगा और इंटीग्रेशन dx होगा मतलब 5x रहेगा, डेरिवेटिव में ये 0 होता था लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होता है। इंटीग्रेशन जैसे 7dt है तो 7t लिखोगे, इंटीग्रेशन 3/2
डी एक्स है तो ये कितना बचेगा, थ्री बाई टू एक्स बचेगा। तो ये डी एक्स का एक्स डी टी का टी इस तरह से आपको लिखना है। समझ गए? हेलो, समझ गए इसको? समझ गए? नो सर, नो सर। अगर इंटीग्रेशन डी एक्स है तो क्या बचेगा, एक्स, डी वाई है तो वाई, डी जेड है तो जेड, डी टी है तो टी, फाइव डी एक्स है तो फाइव बाहर आ जाएगा फाइव एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन ये देखो एक्स है, सेवन डी टी है तो सेवन बाहर आ जाएगा आपका, तो सेवन टी बचेगा, थ्री बाई टू डी एक्स है तो थ्री बाई टू एक्स रहेगा। ठीक है, हेलो, समझ गया अभी? समझ गया। ओके, लिखो इनको। नहीं समझा, देख बेटा इंटीग्रेशन dx है ना, तो dx का इंटीग्रेशन x बचेगा, dy है तो dy का y बचेगा, dz है तो z बचेगा, dt अकेला है तो t बचेगा, 5dx है तो 5x रहेगा, 7dt है तो 7t, 3y2dx है तो 3y2x रहेगा। आगे से ध्यान रखना है सर। ठीक है, हेलो, ओके सर। y वाला कैसे आया, नहीं समझा। कौन सा वाला बेटा? वो 5dx वाला। हाँ देख, अगर 5dx है ना तो जो कांस्टेंट अकेला रहता वो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, तो अब सिर्फ dx रहेगा वहां पे। ये रूल्स होते, लेकिन मैंने रूल्स की जगह मैं सीधे सीधे आपको बता दिया कि अगर इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट आता है तो उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हो और फिर इंटीग्रेट करते हो। तो ये मैंने आप लोगों के लिए सीधे सीधे लिख दिया है, जिससे आगे आप सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, डायरेक्ट कर सकें, इसलिए मैंने सीधे ये लिख दिया। हाँ, जैसे इंटीग्रेशन डी वी है वो भी आएगा, इंटीग्रेशन डी यू है उससे पी यू आएगा। समझ गए? और कुछ और भी है, जैसे इंटीग्रेशन टेन डी एक्स है तो सिर्फ टेन एक्स रहेगा। समझ गए अब? हेलो, यस सर। हाँ अभी, यस सर, अभी लिखो इसको भी, लिखो लिखो इनको। लिखने से क्या होगा ना, याद होंगे, शुरुआत के लिखना पड़ेगा, फिर जहां स्क्रीनशॉट की जरूरत होगी मैं वहां बोल दूंगा फिर। ठीक है, इनको लिखो। ओके चलो आगे बढ़ूंगा मैं। अब वो फार्मूले वाले जो है ना उसको साथ में रखो आप। पेज नंबर फोर देखो, पेज नंबर फोर में क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इफ y इक्वल्स टू x स्क्वायर देन इंटीग्रेट y विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, तो ये x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, दिस इज x की पावर 3 अपॉन 3। और जब पूरा फाइनल आंसर आ जाए तो यहाँ पे c लगा दो, और अगर नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। ठीक है, जब आपका फाइनल आंसर आ गया तो बिल्कुल फाइनल आंसर में आप c लगा दो, और अगर नहीं भी आया है, नहीं भी c लगाओगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर अब मैं ऐसे क्वेश्चन भी लिखूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन x की पावर 1 बाई टू डी एक्स है, एक्चुअल में पावर 1 बाई टू मतलब रूट एक्स भी होता है, तो x की पावर 1 बाई टू प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई टू प्लस 1, तो ये x की पावर 3 बाई टू अपॉन 3 बाई टू 2 बाई 3, x की पावर 3 बाई टू हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की पावर 4 dx है, तो ये आएगा इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 4 dx, तो ये रहेगा इंटीग्रेशन माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1, x की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3, पावर ऊपर है तो इसको नीचे लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन सिर्फ 1 अपॉन x dx है, तो इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1 dx ये log x होता है। ठीक है, देख लो अभी यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1
अपॉन एन प्लस वन, एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज किया है, ठीक है। हेलो हेलो, देख लो बेटा, अब इनको लिख रहा हूं, अब तुम अपने उसे सॉल्व करो खुद से। अब हाँ देखो, देन पेज नंबर 5 सॉल्व करना बेटा। हाँ, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डीएक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एन की वैल्यू माइनस वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रेशन टी क्यूब डीटी, इंटीग्रेशन वन अपॉन टी स्क्वायर डीटी, इंटीग्रेशन टी की पावर थ्री बाई टू डी टी और इंटीग्रेशन टी की पावर, या इसको ऐसा लिखो आप, वन अपॉन रूट टी डी टी। सॉल्व करो अब इनको टी के रिस्पेक्ट में, सॉल्व करो। समझ गए क्वेश्चन, समझ गए? राइट साइड में फार्मूला लिखा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, करो सॉल्व अब इनको। हाँ, e की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 e की पावर 4 अपॉन 4, डायरेक्ट लिखते बनना चाहिए हमसे, फिर इसको लिखोगे e की पावर माइनस 2 dt, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, e की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, 1 अपॉन माइनस 1 t की पावर 1, आप इसको लिख सकते हो माइनस वन अपॉन टी, टी की पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन, टी की पावर फाइव बाई टू अपॉन फाइव बाई टू, टू अपॉन फाइव, टी की पावर फाइव बाई टू। इसको लिखोगे वन अपॉन टी की पावर वन बाई टू डी टी, फिर इंटीग्रेशन इसको ऊपर ले जाके लिखोगे माइनस वन बाई टू डी टी, फिर लिखोगे अब फॉर्मूला लगा दो, टी की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन, टी की पावर प्लस वन बाई टू अपॉन वन बाई टू, टू टी की पावर वन बाई टू, और टी की पावर वन बाई टू मतलब रूट थ्री। देख लो अभी, मैच कर लो, मैच कर लो अपने आंसर्स को। हेलो, अपने आंसर्स को मैच करो। सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला नहीं आया तेरे से? नो सर, वो मैंने ये पूरा समझ गए या नहीं जितना एक्सप्लेन किया? समझ गया सर। हाँ ठीक है, माइक म्यूट कर लो। जिसको नहीं समझा है ना, माइक हैंड रेस करो, जिसको नहीं समझा है हैंड रेस करो। रोशन बोलो बेटा, कौन सा वाला नहीं समझा आप? रोशन सर, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला नहीं समझा? समझा सर, पर कंफ्यूजन हो रहा था। क्या कंफ्यूजन हो रहा बता जरा जल्दी से। सर वो लास्ट में, लास्ट के तीन तीन इसमें। अरे वहां पे अलजेब्रा की है अपन ने, देख टी की पावर माइनस वन बाई टू डी टी तक समझ गया, इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस वन बाई टू डी टी तक समझा? यस सर। हाँ, उसके बाद फिर अब फार्मूला लगाया अपन ने, ऊपर लिखा हुआ फार्मूला देख बॉक्स में, e की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन, तो माइनस वन बाई माइनस वन बाई टू प्लस वन कितना होता है, वन बाई टू बचता है कि नहीं बचता? समझ गया। देखो तुम लोग रूट रूट एक्स या फिर रूट टी, इनके बारे में डायरेक्ट सोचा करो कि रूट एक्स कहीं लिखा है, इसका मतलब वो एक्स की पावर वन बाई टू है, डायरेक्ट सोचो उसको, ठीक है।
समझ गए या कोई डाउट है अभी भी? हेलो, समझ गए सभी बच्चे? आगे बढ़ूं मैं अब? यस सर, समझ गया। हाँ ओके, आप लोगों ने तो शायद लिख लिया होगा, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब फिर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? हेलो, ले लिए क्या बेटा? यस सर। आप पेज नंबर 6 है ना। अब देखो जो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं उसमें एक इंटीग्रेशन x की पावर n dx equals to x की पावर n plus 1 upon n plus 1 provided that n is not equals to minus 1। इंटीग्रेशन कहीं पे dx है तो सिर्फ x आएगा, इंटीग्रेशन कहीं पे 5 dx है तो सिर्फ 5 x आएगा। ठीक है, अभी ये मैंने ऐसा साइड पे लिख दिया। अब आपके पास में क्वेश्चन है if y equals to, एक मिनट और, हाँ इंटीग्रेशन जैसे 4x की पावर n dx है तो 4 सामने आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये सामने रहेगा, इसका कुछ नहीं करोगे और आप फार्मूला अप्लाई कर दोगे डायरेक्ट। तो इफ y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 है। अब इसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट y विथ रिस्पेक्ट टू x, y को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखो अब कैसे करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ध्यान से समझना, हर एक स्टेप को कहीं खोना मत, किसी से बातें मत करना, अभी यहां ध्यान देना बोर्ड पे। इंटीग्रेशन के लिए सिंबल i, ये लिखोगे y dx, फिर इंटीग्रेशन y की जगह पे आपको क्या लेना है, 4x cube minus 2x square plus 5x plus 10 और dx, आपने y की जगह में वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो इंटीग्रेशन ये सभी के साथ में आएगा, मतलब इंटीग्रेशन 4x cube dx माइनस इंटीग्रेशन 2x square dx प्लस 5x dx प्लस इंटीग्रेशन 10 dx, मतलब ये जो इंटीग्रेशन था ये सभी के साथ में होगा, आपके जितने भी टर्म आ रहे सभी के साथ में इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, और इसके बाद में अब चाहो तो आप 4 को कॉमन निकाल दो x क्यूब dx, माइनस 2 को कॉमन निकाल दो x स्क्वायर dx, प्लस 5 को कॉमन निकाल दो x dx। अच्छा x dx है तो x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, दिस इज x स्क्वायर बाई 2, क्यों आएगा बेटा, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब x स्क्वायर बाई 2 लिखोगे डायरेक्ट, एंड प्लस 10 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx बचेगा। ठीक है, तो अब आप सॉल्व कर दो 4, और ये x क्यूब dx में आप ये फार्मूला लगा दो तो यहाँ पे बचेगा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 2 x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 5, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 10 और इंटीग्रेशन dx का x होगा। इसको और सॉल्व कर दो 4x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 10x, समझ गए। अब ये 4 से ये 4 और कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आप इस तरह से इसका आंसर बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, फिजिक्स में हमको ये जो बीच की स्टेप्स हैं
ये यहां से लेकर ये इतनी स्टेप हमारे लिए काम की नहीं है, मतलब आप इसके बाद डायरेक्ट ये सोच सकते हो या नहीं, थोड़ा सोच कर बताओ, डायरेक्ट सोच सकते हो या नहीं, ये जो स्टेप्स अपन ने लिखा है डायरेक्ट सोच सकते। हाँ, बीच की स्टेप गायब कर दो, आपको सिर्फ फाइनल स्टेप के बारे में सोचना है। क्या आप बीच की तीन स्टेप गायब करके सिर्फ लास्ट की स्टेप सोच सकते हो क्या? यस सर। कैसे सोचोगे बताओ? कुणाल बोल बेटा। सो प्लस वैल्यू को 3 प्लस कर देंगे? नहीं, पावर को 1 ऐड करोगे और जो पावर रिजल्टेंट वाली बन रही ना उसको डिवाइड करना है ना। यस सर। हाँ, हर एक स्टेप में वही हो रहा है सर। आखिरी स्टेप में चेंज होगा सिर्फ 10 के लिए। हाँ, सिर्फ 10 के लिए चेंज होगा, जहाँ पे 10 अकेला तो वहाँ पे 10x आ जाएगा बस, है ना? यस सर। और प्लस सी कर देंगे आखिरी में। सीधा सीधा देख रहा आप, अच्छे से ध्यान से देखो बोर्ड को, बहुत सीधा सीधा देख रहा आप। बीच की जो तीन स्टेप है जिसको मैंने रेड कलर से बॉक्स किया हुआ है, आप उनको स्किप कर सकते हो, सीधे फाइनल आंसर को आप लिख सकते हो। डायरेक्ट सोचो, डायरेक्ट करना हमें। अब इसको आप लोग कॉपी पे नोट करो, इस क्वेश्चन को कॉपी पे नोट, 10 मिनट में छोड़ दूंगा, ठीक है? अरे देखो, मैं इसलिए बोलता हूँ बेटा तुम लोगों को, तो ये आपको ध्यान रखना, अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान रखना, आपके जो प्राइमरी सब्जेक्ट्स है, आपके जो मेन सब्जेक्ट है उन पे ध्यान रखो आपको, ठीक है? हो सकता है ये पढ़ने में अच्छे नहीं लगे आपको, वो इंफॉर्मेशन पढ़ने में अच्छी लगे, लेकिन इसके बगैर काम नहीं होगा। लेकिन देखो, अभी पेज नंबर 7, डायरेक्ट सोचना है, मैं 4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, डायरेक्ट करना है। इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5 dt, डायरेक्ट बताना है। फिर अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 5t क्यूब माइनस 10t प्लस 7 dt। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 dx। फिर इंटीग्रेशन 5t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 dt, डायरेक्ट बताना है। लिख सकते हो डायरेक्ट? क्या डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या बनेगा। फिर फर्स्ट वाले का आंसर क्या बनेगा? 2t क्यूब। 2 डायरेक्ट एक पावर ऐड करना है यहाँ पे, 2t क्यूब अपॉन 3 माइनस 3, यहाँ पे पावर 1 है, स्क्वायर स्क्वायर बाई 2, और 5 अकेला है तो 5t हो गया। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। ओके, अब ये वाला देखो, 5t पावर 1 बढ़ाओगे 4 अपॉन 4 माइनस 10 पावर 1 है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 7t, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो, x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 3 पावर 1 है, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x। इसको देखोगे, 5t की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 6 टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 7 पावर 1 है, टी स्क्वायर 2 प्लस 20। देखो अभी समझ गए या नहीं? यस सर। अच्छे से समझ सर, एक मिनट सर। हाँ ठीक है, अच्छे से समझ गए या नहीं देख लो पहले, नहीं आया होगा तो फिर से बताऊंगा। सर, जो पावर ऊपर उसको डिनोमिनेटर में लेना है क्या? हाँ, जो पावर बढ़ा रहे हो उसको डिनोमिनेटर में लेना, बढ़ी हुई पावर। ठीक है, हेलो सर, बहुत अच्छे से समझ गया अभी तो। ओके, लेकिन देखो अभी ये भूलते भी हैं, तो आज मैंने जितना पढ़ाया है ना उसको कम से कम 5 बार रिवाइज करना। आज मैंने जितना आप लोगों को पढ़ाया है उसको कम से कम 5 बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन और थोड़े से, और मतलब जैसे अभी किए वैसे ही है, उसके बाद छोड़ दे रहे बस लास्ट एक बार और, ठीक है? समझ गए सर? देख लूंगा 5 बार।
हाँ पांच बार लिखना, उससे क्या होगा आपको याद होंगी चीजें, चार से पांच बार करना है। देखो जब आप मैथ्स में यही पढ़ते हो ना तो ये बहुत टाइम चलता है, लेकिन फिजिक्स में मैं एक महीने नहीं पढ़ा सकता इंटीग्रेशन को, है ना। अभी देखो पेज नंबर 8, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे ले रहा है पर इंटीग्रेशन जैसे साइन 3x dx है, तो साइन का इंटीग्रेशन cos 3x अपॉन 3 आएगा। फिर इंटीग्रेशन जैसे मान लो cos ओमेगा t, w नहीं है इसको ओमेगा बोलते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा। इंटीग्रेशन अगर मान लो e की पावर 3x dx है तो e की पावर 3x अपॉन 3 आएगा। इंटीग्रेशन e की पावर माइनस लैम्डा t dt है तो e की पावर माइनस लैम्डा t अपॉन माइनस लैम्डा आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 5x प्लस 3 dx है तो इसका बनेगा log ऑफ 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। और इंटीग्रेशन जैसे साइन 2x प्लस 3 dx है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस 2x प्लस 3 अपॉन 2। ये फार्मूले से रिलेटेड है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से गया हो, लेकिन जो फार्मूले मैंने लिखवाए था आज सबसे शुरुआत में उनको देखना तब बनेंगे ये। हाँ सब में शुरुआत में मैंने जो फॉर्मूले लिखवाया था बेटा। बाय सर। ओके बाय बाय एवरीबॉडी सर।